बाद रोजे अवल से आया है कि बड़े ख्वाब देखने वालों को हमेशा बड़ी ताबीर मिलती है। हमारी आज की डेस्टिनेशन एक ऐसी मंजिल है जहां एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जिसने नौजवानों को अपनी मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश करने की तलकीन की। जी हाँ, हमारी आज की डेस्टिनेशन है शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल की बर्थ प्लेस। वेलकम टू सियालकोट। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इट लुक्स लाइक आई एम इन द हार्ट ऑफ सियालकोट। सियालकोट जिंदाबाद। सो कम लेट अस गो। मुझे अभी से नजर आ रहा है यहाँ के लोगों का प्यार एंड यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी। मैं जैसे एंटर हुई थी, देयर वर स्माइल्स ऑन एवरीवन्स फेस। दैट जस्ट शोज कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितने नरम दिल हैं। एंड वी हैव अ मॉन्यूमेंट। आई जस्ट मेट दिस ऑफिसर एंड इन्होंने मुझे यहाँ वेलकम किया। ये कह रहे थे कि इनको बहुत अच्छा लगा कि एक लड़की आई है सियालकोट वाई क्यूब एक्सप्लोर करने। उन्होंने मुझे बहुत वार्म वेलकम दिया है। मैं जब एंटर हो भी रही थी ना तो लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट थी। लोग बहुत ज़्यादा यू नो लाइक ऐसे लग रहे थे कि बड़े खुले दिल के लोग हैं। अमेजिंग पीपल एंड आई एम ऑलरेडी सो एक्साइटेड। चलो जाके देखते हैं आगे और क्या मिलेगा। Just saw this small boy selling this. क्या कहते हैं इसे? चिक्की ना, चिक्की? कचक, कचक। ये सियालकोटी का स्पेशल है, खुद बनाया है। स्पेशल वाला कौन सा? स्पेशल वाला चाहिए मुझे। दिखाओ। This is a special one. चिक्की। और तुम्हारा नाम क्या है? शबीर। अच्छा, ओके। ये गिव मी द स्पेशल वन, जो सियालकोटी का कचक, कचक है ये। I think I might want to try. मैं अभी ट्राई करके चेक करती हूँ कैसा है। वेट, हियर इट गोज, द फर्स्ट बाइट। क्रंची, इट्स रियली गुड, इट्स अमेजिंग। तुमने खुद बनाया है बाकी? ओह गॉड, इट्स स्वीट क्रंची एंड गिविंग मी द पावर टू राइड इवन मोर। Enjoying Sialkot so much. Bike ride करने के बाद इंसान थोड़ा थक जाता है, लेकिन जैसे ही मैं सिटी में एंटर हुई लोगों ने मुझे ऐसे वेलकम किया जैसे कि मैं उनकी स्पेशल मेहमान हूँ। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ Sialkot एंड दिस इज वाई आई लव ट्रैवलिंग सो मच। आप सियालकोट आई हुई हैं? हाँ, मैं सियालकोट आई हुई हूँ यहाँ के टूरिस्ट स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी आप कहाँ जा रही हैं? अभी मैं जा रही थी इकबाल मंदिर। ये पीछे मेरा क्रू खड़ा है, आ रही है सारे साथ। ओह माय गॉड गाइस, तो आप ज्वाइन करें हमें? आप कहाँ जा रहे हो? हम फिलहाल तो हम सिटी हाउसिंग जा रहे हैं, वहाँ पे छोटा सा एक मीटअप है, उसके बाद हमने इकबाल मंजिल, अगर आपने जाना होगा हम आपके साथ चले। That's not a bad idea. I think I might join you guys. आप join करें। I love bikers. खुद ही biker हूँ, so I think I'm gonna go and join them. चलें फिर। And explore Sialkot with them for a while. चलो चलते हैं।
है, ये कौन सी जगह है? इस वक्त हम ना सिटी हाउसिंग में, सियालकोट में। अच्छा, तो बेसिकली ये हमारा ना गैदरिंग पॉइंट है। दिस इज योर गैदरिंग पॉइंट बेसिकली। हमने कहीं भी जाना हो, राइड पे निकलना हो, वैसे क्रूज करना हो या आउट ऑफ सिटी कोई टूर हो, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम ना इकट्ठे होते हैं। लोकेशन अच्छी है, काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो यहाँ पे आते हैं। देव यू हैव द पिरामिड्स इन इजिप्ट, यहाँ पे बाकी इट्स अ खुली जगह, आई गेस यहाँ पे खुली खुली रोड्स है, तो आप बाइकर्स काफी अच्छा होता है, यू नो, रेस लगाते हो। बिल्कुल ऐसे ही। एंड तो फिर आप मुझे बताओ कि आपके ग्रुप का नाम क्या है? यू आर लाइक अ बाइकर ग्रुप हियर इन ग्रुप का हमारा नाम है वाइबियर क्रू सियालकोट। अच्छा, मुझे बताओ कि सियालकोट में जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो कौन से? क्योंकि अभी मैं भी इकबाल मंजिल की तरफ जा रही हूँ, मुझे बहुत ख्वाहिश थी नो कि मैं इकबाल मंजिल को एक्सप्लोर करूँ, देखूँ। तो टेल मी मोर अबाउट सियालकोट, यहाँ पे कौन से टूरिस्ट पॉइंट्स हैं? सियालकोट में आप इकबाल मंजिल जा सकती हैं, तेजस्वाला टेम्पल है, काफी अच्छी वहाँ स्पॉट है। उसके बाद हेडमरल है, सिटी हाउसिंग होगी, आप इसको अच्छी तरह कवर कर सकती हैं। उसके अलावा काफ़ी स्पॉट्स हैं, लेकिन वो विद इन सिटी हैं, इसीलिए हमने ये स्पॉट ना बाहर इसलिए रखा हुआ है, विद इन सिटी रश होता है। आई नो, यहाँ पे काफी रश है, जब रश होते हैं ना बाइकर्स कभी भी नहीं चला नहीं, सकते। नहीं, बाइक्स लेके जाना रिस्की काम होता है, नेवर डू इट। अच्छा, बहुत बातें हो गई। नाउ आई वांट टू डू समथिंग गाइस, आई वांट अ चैलेंज है, हो जाए चैलेंज, हो जाए, देखते हैं, ट्राई करते हैं। आज तो मैं डबल एंजॉय कर रही हूँ, आज तो मेरे लिए ईद है, वो भी सियालकोट पे, क्योंकि मैं एक बाइकर हूँ एंड जब मैं किसी और बाइकर को देखती हूँ तो मेरी एक्साइटमेंट डबल हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि आई एम इन हेवन। ऑनेस्टली आई लव इट सो मच। एंड मुझे इस ग्रुप की सबसे ख़ास बात ये लगी कि ये लोग भी टूरिस्ट हैं, यानी कि ये लोग भी पाकिस्तान की वो एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं जो पहले या तो एक्सप्लोर नहीं हुई होती, या फिर अगर एक्सप्लोर हुई होती है तो उसको वो बाइक में एक्सप्लोर करते हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब बाइक में इंसान ट्रैवल करता है ना, आई कैन इवन एक्सप्रेस इट, यू कैन फील द सिटी, यू कैन फील द कोर सिटी विद इन यू, क्योंकि आप बाइक में 360 डिग्री विजन ले रहे होते हो। ओ गॉड, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, आई एम स्पीचलेस, मेरा हार्ट रेस लाइक मेरे दिल की धड़कने भी तेज़ हो रही है। बट हे गाइस, अब मैं जाने लगी हूँ अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ and I'm so excited to explore that, so come and follow me. जब कोई जान होती है तो हम ये बिल्कुल मंदिर को, उसकी घंटियों को बंद कर देते हैं और जो अपनी पूजा पाठ है उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं। बाजार है और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं इससे भी नज़र आ रहा है और जाहिर हो रहा है कि ये इलाका पूरा का पूरा बहुत कदीम इलाका है, यानी कि अगर टेंपल 1000 साल पुराना होगा तो ये इलाका कितना पुराना होगा। आई कैन सी इट फॉर द बिल्डिंग्स एंड देन लुक एट द पीपल, इट्स अमेजिंग। सियालकोट के लोग तो बहुत बहुत हॉस्पिटेबल, आई लव इट।
दिस आर्किटेक्चर और ये जो ब्रोकन वॉल्स आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी, इसका मतलब ये है कि मैं टेम्पल के काफ़ी करीब आ चुकी हूँ। एंड सियालकोट की गलियाँ तंग तो ज़रूर हैं, मगर यहाँ के लोगों के जो दिल है ना वो बहुत खुले हैं। आई हैव फाइनली रीच्ड शिवाला तेजा सिंह टेम्पल। आई मीन आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस, मुझे अभी से नजर आ रहा है, लुक एट दैट माउंटेन टावर। इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट विथ मी कम एंड फॉलो अलॉन्ग, देखते हैं कि अंदर के क्या मनाजिर है। बट फर्स्ट इसको पार्क करना है बाइक को, लेट्स पार्क द बाइक। मैं मौजूद हूँ तेजा सिंह टेम्पल, जो कि 1000 साल पुराना टेम्पल है। ये टेम्पल 11th century में बिल्ड किया गया था। एंड आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, एंशंट हिंदू आर्किटेक्चर में टेम्पल्स हिंदुइज्म के कोर धर्मा, उनके वैल्यूज़ और उनके बिलीव्स को रिप्रेजेंट किया करते हैं। एंड इस किस्म के टेम्पल्स के 3 किस्म के स्टाइल्स होते हैं, एंड दिस स्टाइल इज़ द विसारा स्टाइल, जो कि एक नॉर्दर्न एंड साउदर्न का मिक्सड है, यानी कि द्रविड़ा और नगारा टेम्पल स्टाइल का मिक्सचर है। इट्स ब्यूटिफुल एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू कम अलॉन्ग विथ मी एंड सी द इनसाइड। आपका नाम क्या है? बलदेव राज। क्या मेरे दोस्त हो? यस, मेरे साथ बलदेव राज है, मेरा छोटा सा दोस्त। एंड मैं यहाँ जो टेंपल की एंट्रेंस है वहाँ पर बैठी हुई हूँ, और टेंपल के एंट्रेंस को कहते हैं मंडपा, जो कि आपको अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर पूजा की जाती है। एंड मैं आपको हिंदू टेंपल्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है कि हर हिंदू टेंपल बहुत केयरफुली और मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड एवरी टेम्पल रिप्रजेंट्स 4 हिंदुइज्म बिलीव्स। पहला आर्था यानी वेल्थ एंड प्रॉस्पैरिटी, दूसरा कामा यानी प्लेजर, तीसरा धर्मा यानी मॉरल लाइफ, और चौथा मुक्षा यानी सेल्फ नॉलेज। एवरी हिंदू टेम्पल रिप्रजेंट्स दीज 4 बिलीव्स। बेल रिंगिंग हिंदुइज्म का की एक बहुत ही इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड मैंने ये बेल इसलिए बजाई ताकि मैं आपको बता सकूं कि व्हाई डू पीपल रिंग बेल व्हेन दे एंटर द टेंपल। एक्चुअली बेल रिंगिंग का मतलब ये है कि कोई भी बुराई, कोई भी इविलनेस दूर हो जाए और अच्छी चीज़ों को वेलकम किया जाए। बेल रिंगिंग का एक और मकसद भी है, जब आप पूजा कर रहे होते हो आपकी फुल कॉन्सेंट्रेशन पूजा पे हो एंड आपका जो दिमाग है वो वॉन्डर ना करे। एंड दैट्स वाई इन हिंदुइज्म वी रिंग द बेल बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। मैं मौजूद हूँ टेंपल तेजा सिंह के पुजारी पंडित भगत साहेब के साथ, जो कि यहाँ के केयर टेकर भी हैं और पुजारी भी हैं। सुना है कि जब अजान होती है तब पूजा एहतरामन रोक दी जाती है, तो क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल बात सच है। ये हम सिर्फ ये इबादत के लिए, ये जब कोई जान होती है तो हम ये बिल्कुल मंदिर को, उसकी घंटियों को बंद कर देते हैं और जो अपनी पूजा पाठ है उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं। एंड आपको कैसे महसूस हुआ था जब टेंपल रीओपन हुआ था, लाइक आपके क्या जज्बात थे? आप तो बहुत खुश होंगे आई एम श्योर। जब भी इस मामले में बात करते हैं तो एक अंदर से
पूरा एक समंदर बाहर आ जाता है खुशी का. Yes, I can understand. वो एक पूरा समंदर बाहर आ जाता है तो हम उसको समेट भी नहीं सकते, वो अंदर ही हमारे वो चलता है. तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश हुए हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये हाल ही इस मंदिर पे काम नहीं कर रही बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मंदिर हैं उन पे सब पे काम हो रहा है. मंदिर विज़िट करने के बाद मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ के हिंदू कम्युनिटी के साथ गुफ्तगू करूँ और जान सकूँ कि उनके क्या जज्बात थे कि जब तेजा सिंह टेम्पल खुला हाउ डिड दे फील एंड आई रियली वांटेड टू नो दिस. इसलिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिमला रानी के घर जो कि यहाँ हिंदू कम्युनिटी के एक हिस्सा है, एक मेम्बर है एंड शी इन्वाइटेड मी टू हर हाउस एंड आई वॉन्ट टू आस्क हर हाउ शी फील्स. तो मुझे बताएं जब तेजा सिंह टेम्पल नहीं खुला था, जब बंद था, तब आप कहाँ इबादत करती थी? आपके घर करती थी, आपके घर मंदिर बनाया या फिर इबादत कर. फिर साल हो गया मैं तो बाद हो गया तो वो जगह से उठे जाने पूजा करनी है. बड़ा सारा दिल खुश होया जैसे बड़ियाँ दुआवा दें इमरान खान के सामने बड़ा अच्छे सलाना किया. बड़ी जगह 72 साल बाद खुली. 72 साल बाद आफ्टर सो मेनी इयर्स. हाँ, 72 साल. आपको पता है ना कि हमारे पाकिस्तान का जो झंडा है जिसपे वाइट रिप्रेजेंट्स माइनॉरिटीज़ एंड कायदे आज़म ने भी कहा था दैट यू आर फ्री टू एक्सरसाइज योर रिलीजन. आप चाहे जो मज़हब के हो आप पाकिस्तान में सेफली रह सकते हो. एंड आई दिस इज़ एन एग्जाम्पल. बिमला रानी एक एग्जाम्पल है ऑफ रिलीजियस हार्मनी इन पाकिस्तान. देखा कि तेजा सिंह टेंपल में पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी कितनी हार्मनी में रहती है और टेंपल से कुछ ही गलियों के फासले पे है इकबाल मंजिल. ये वो मकान है जहां शायर मशरक पैदा हुए. मैं अपनी बाइक पार्क करती हूं और फिर दिखाती हूं इसके अंदर की मनाजिर. साहब जब देखने आए तो क्या देखा? हाँ. कि कुछ 2 किलो वजन का आम उनके सराहने पड़ा हुआ था. तो उसने कहा डॉक्टर साहब आपको तो मना किया था, कहते आपने तो एक ही कहा था तो ये एक ही है ना. मैं मौजूद हूँ इकबाल मंजिल, पोएट ऑफ ईस्ट, पाकिस्तान नेशनल पोएट के घर जहाँ पे वो पैदा हुए. द मैन हु इंस्पायर द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी. आई फील ऑनर कि मैं यहाँ पर आई हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए. एंड मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 34 ईयर्स से इस जगह का देखभाल की एंड वो अभी भी यहाँ पर इसके केयर टेक कर रहे हैं. So let me go and talk to him because he has that information that even I will be surprised to know. Kaise hain aap Riyaz Takvi sahib? Allah ka bahut shukr hai ji, theek thaak. Bahut shukriya ki aapne mere time nikala. To mujhe bataye ki ye sher
ये उनकी अपनी लिखाई है ये जो कि वो कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब सियालकोट नहीं आते थे। अच्छा। तो ये डॉक्टर साहब की वालदा का जब इंतकाल हुआ है 9 नवंबर 1914 में, तो उन्होंने फिर ये खत अपने एक दोस्त महाराजा कृष्ण प्रसाद को लिखा कि मैं तो अपनी वालदा के सोयम पर आया हूँ। और इसके एंड में अगर आप देखें तो एक बहुत खूबसूरत वाल लिखते थे, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अलामा इकबाल का जो फेवरेट डिशेस थी वो थी माश की दाल, कीमा करेले एंड पुलाव, ही लव्ड इट। लेकिन मटन पुलाव, नॉट पुलाव, मटन पुलाव और शामी कबाब, शामी कबाब भी था, ये उनकी फेवरेट चीजें। लेकिन फलों में आम खाते थे वो। अच्छा, दैट्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। डॉक्टर साहब ने उन्होंने मना कर दिया कि आपने आम नहीं खाना। गर्मी में डॉक्टर साहब की बड़ी फेवरेट थी खिजा, तो हकीम साहब ने कहा चले खा लिया करें। हकीम साहब जब देखने आए तो क्या देखा कि कोई 2 किलो वजन का आम उनके सराहने पड़ा हुआ था। तो उसने कहा डॉक्टर साहब आपको तो मना किया था, कहते आपने तो एक ही कहा था तो ये एक ही है ना। ये तस्वीर है अली बख्श साहेब की, जो अलामा इकबाल के खादिम थे एंड जिन्होंने उनका 39 लॉन्ग ईयर्स से उनको सर्व किया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही बोल रही हूँ ना? नहीं, ठीक है, 39 ईयर से। तो उनको पहली दफ़ा कहाँ मिले थे ये अली बख्श साहेब? ये अली बख्श का बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो था वो इंडिया में एक शहर है होशियारपुर। होशियारपुर वहाँ पे एक गाँव था टल, वहाँ का ये लोकल आदमी है। अच्छा, ये वहाँ के लोकल आदमी थे एंड उनको आई थिंक इतना प्यार हो गया अलामा इकबाल की पर्सनालिटी से। उसकी एक वजह थी कि ये करीबन कोई खासा गरीब आदमी था, तो इनके गांव का एक शख्स लाहौर में ऑलरेडी जो कि सिख से मुसलमान था, नाम था उसका मौलवी हाकम अली। अच्छा। और वेल एजुकेशन थे उसके पास। उसने इस्लामिया कॉलेज रोल में रेलवे रोड में एज ए प्रिंसिपल जॉब करते थे वो, तो इनके गांव के थे। तो इन्होंने अपने गांव से उसके नाम रुका लिखवाया और वो कहते हैं जी मैं बैल गाड़ी पर बैठकर लाहौर आया, क्योंकि एक ही जराया था आने जाने का। फिर इस बंदे ने तलाश किया, मौलवी साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी आप मेरे घर ही जॉब कर लें, मेरे पास नौकर की ज़रूरत है। फिर वहाँ ये जॉब करता रहा। उसके बाद अलामा साहब उसको कुछ भी नहीं सिवाय शेख साहब थे, शेख साहब यानी उनको ये बुलाया, शेख इकबाल, ठीक है जी, और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा। तो मज़े की बात यह है कि इस बंदे को कुछ लिख के ना मौलवी साहब ने ख़त दिया कि आप जाएं और जाकर शेख इकबाल को दें। ये इतना सादा है, कहता जी केड़ा शेख इकबाल, कहते जो छत देखता है रोज़ चढ़ के, कहते कि वो जरा सामने खड़ा होके मकदर ही लाता है। मकदर वो चीज़ होती है जो पहलवान बेसबॉल की तरह से डंडा होता है। अच्छा, उसको वो शोल्डर बनाते हैं उसके साथ। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह अक्सर वर्जिश करते रहते थे। अच्छा। तो फिर इसने जाकर नीचे से आवाज़ दी, जब आवाज़ दी तो डॉक्टर साहब ने ऊपर बुला लिया इसको, रुका दिया, रुका पढ़ लिया। तो ये कहता है जी मैं कुछ अर्ज कर सकना? डॉक्टर साहब कहते हैं बताएं। कहता जी जो हकीम साहब है ना मौलवी साहब जो, ये मुझे बड़ा डांटते रहते हैं। कहते क्या हुआ? कहता जी मुझे कल कहते थे कि जाओ जाके पताशों का मरबा तलाश करो, तो मैंने जिस दुकान से पूछा तो वो मेरा मजाक उड़ाया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब भी मुस्कुराए। तो ये कहता है अली बख्श के आप भी मजाक कर रहे हैं? कहते ना बेवकूफ़, पताशों का मुरब्बा होता ही नहीं है। तो ये पहली इनकी मुलाकात है या, और मतलब पहला उनका इंसिडेंट है जहाँ पे वो मिले थे। हाँ, उसी लम्हे फिर डॉक्टर साहब ने इसको कहा आप अली बख्श मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? एंड दैट वॉज द डे एंड आफ्टर दैट वो उनके खादिम रहे फॉर 39 ईयर्स एंड इट्स जस्ट सो अमेजिंग। ये छोटी छोटी कहानियाँ ही होती हैं जो यू नो हिस्ट्री को दोबारा रिवाइव करती हैं एंड आई थिंक। और मज़े की बात ये कि डॉक्टर साहब ने मर्दम शनासी इतनी कमाल की है कि उन्होंने फौरन उसको जज कर लिया कि ये मेरे साथ चल सकता है। मतलब कि उनकी एनालिटिकल एबिलिटी इतनी अच्छी थी दैट ही न्यू दैट ही विल बी अ लाइफ लॉन्ग पर्सन सर्वेंट ऑफ माइंड। इट्स अमेजिंग।
कि जिस कमरे में हम खड़े हैं ये अल्लामा इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल कमरा था। अच्छा। और इस कमरे में आखिरी बार अल्लामा इकबाल 1934 में आए थे, क्योंकि उनके बड़े भाई की शादी, बेटी की शादी थी जिसका नाम वसीमा था, तो उसके निकाह में अल्लामा इकबाल ने साइन किए थे। ओके। और लेकिन 4 साल बाद डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया 1938 में, तो फिर शायद वो दोबारा सियालकोट नहीं आए। गेस्ट रूम की टेरेस आपको दिखाते हैं, जिसमें कभी अल्लामा इकबाल बैठ के चाय पिया करते होंगे गर्मी के मौसम में शाम के वक्त। He's taking me to the terrace, so let's go in. अच्छा मुझे बात बताएं कि टूरिस्ट यहाँ पर जो आते हैं वो कौन से मुल्कों से आते हैं और उनके क्या जज्बात होते हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों को एक स्पेशल अटैचमेंट है टूवर्ड्स अल्लामा इकबाल्स वर्क, उनकी पोइट्री, उनके क्या जज्बात होते हैं? क्या कभी आपने किसी को देखा कि वो रोने लगा हो, यू नो लाइक बहुत इमोशन हो गया हो जो टूरिस्ट यहाँ पे? हमारे भी बड़े अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे नसीम हसन शाह साहब, वो यहाँ आए, वो यहाँ पर उन्होंने इस कमरे में बाकायदा नमाज पढ़ी। फिर ख्वाजा शरीफ साहब थे वो यहाँ आते थे और बाकायदा जानमाज मांग कर नमाज पढ़ते थे। अच्छा। फिर हमारे पाकिस्तान फौज के बड़े बड़े जनरल यहाँ इस कमरे में आते थे, दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह हमें तरक्की दे। एंड टूरिस्ट भी आते रहे हैं फ्रॉम दिस? टूरिस्ट यहाँ पर एक अमेरिका से बंदा आता है। अच्छा। वो इस घर को इकबाल मंदिर नहीं कहता, वो कहता है ये दरगाह है। दरगाह? उसने मुझे कहा कि जी आप मुझे इस कमरे में बंद कर दें 2 मिनट के लिए। अब उसको ये नहीं पता था कि इसके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं। मैंने कैमरे को जूम किया, मैंने कहा देखो करता है क्या। उसने क्या किया, उसने ज़मीन को चूमा है नीचे क्या। मैं कहा यार तूने ये क्या काम किया। मैं कहा ये तो मुसलमान तुझे मारेंगे, वो कहेंगे बिदअत कर, कहना मैं मुसलमान है। That just shows you के I mean, मैं इनसे के जो जितनी भी कहानियाँ सुन रही हूँ ना, I feel emotional. तो मैंने फिर उसको पता क्या कहा, मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया। कहते थे शायद कभी उनके पांव पड़े होंगे। दिस आप इमेजिन कर सकते हैं कि आई मीन मैं ये सारी कहानियाँ सुनकर ना बहुत इमोशनल हो रही हूँ। ये जो जितनी बातें कर रहे हैं, लाइक आई एम ऑनर्ड, ऑनेस्टली ऑनर्ड टू बी इन अ प्लेस ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हु इज़ एन आशिक पोएट। आई फील लाइक अ नॉस्टैल्जिया, यू नो, लाइक एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। एंड जिस तरीके से आपने इसका केयरटेक किया है, मैं आपको क्रेडिट देती हूँ कि आपने अभी भी इसकी हिस्ट्री वैसे ही रखी, हर चीज़ आपने उसका ध्यान रखा। आई मस्ट ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यू नो इसका एक टूर करवाया, एंड मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड नाउ आई होप कि आपको हमारी आज की एपिसोड अच्छी लगी। आई पर्सनली फेल्ट सो इमोशनल येट हैप्पी, एक मिक्सचर ऑफ इमोशंस था, यू नो, मुझे एक बहुत मिक्सचर ऑफ इमोशंस फील हुआ इस दफ़ा। पहले हमने देखा कि हाउ द हिंदू कम्युनिटी लिव्स इन हार्मनी, देन हमारी एंडिंग हुई अल्लामा इकबाल के घर पर। इट वाज अ व्हर्लविंड ऑफ इमोशंस, आई थॉरली एंजॉयड इट। आप मुझे बताएगा कि आपका फेवरेट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड क्या था। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर फेसबुक पेज, टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।